गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मिस्टर बंसीधर कुमार शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्मार्ट ब्रेन्स। टुडे वी आर प्रेजेंट विद पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर फर्स्ट क्लास 9, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अभी तक हम सब मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके थ्री स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके। अब आगे उनके स्टेट का जो चेंज होगा, कन्वर्जन होगा, यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में पढ़ें। ऑल द मैटर्स कैन लाई इन ऑल द थ्री स्टेट्स। जितना भी मैटर है, जो भी आपको बतलाया था पार्ट वन में मैटर के बारे में, वो सारा मैटर तीनों स्टेट को होल्ड कर सकता है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स, तीनों फिजिकल स्टेट्स में रह सकता है। तो तीन, जैसा कि आप एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि वाटर जो आपके घर में है, टैप का वाटर, वो होता है लिक्विड फॉर्म में। उसी का आइस अगर आप अपने फ्रीजर में बनाते हैं तो वो हो गया उसका सॉलिड फॉर्म। इसी तरह से अगर आप घर में खाना बनाते हैं कुकर में, तो जो उससे निकलता है गैस बाहर की ओर, वो है वाटर वेपर, जो वाटर का गैसियस फॉर्म। तो वाटर का तीनों फॉर्म आप डेली लाइफ में देखते हैं। ऐसे ही जितना भी मैटर है वो तीनों स्टेट में रहता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए जो क्रिया करना होगा वो करना मुश्किल है। इसके चलते हम कह देते हैं कि तीनों नहीं होल्ड करता है। जैसे आप बर्फ को जनरली जानते हैं कि सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन वही बर्फ जो धरती के अंदर है लावा के फॉर्म में, जो बाहर निकलता है एक्सप्लोजन के थ्रू, तो वो उसी बर्फ का लिक्विड फॉर्म है ना। तो उतना टेम्परेचर हम बाहर नहीं दे पाते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो चेंज जितना भी मैटर है वो सारा तीनों स्टेट में जा सकता है। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसे पहले समझ लें। जैसा कि आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमने बताया था कि ये जो हैं, इनके पार्टिकल के शेप के आधार पे क्लासिफाई होते हैं। सॉलिड जो है इसमें पार्टिकल बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होता है, सॉलिड का पार्टिकल बिल्कुल करीब होता है, लिक्विड का इससे थोड़ा ज़्यादा दूर होता है पार्टिकल, और गैस में सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है पार्टिकल। यानी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच का जो दूरी है वो गैस में सबसे अधिक होता है, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम। अब हमें इन्हें कन्वर्ट करना है, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, यानी इसके बीच का जो गैप है इसको बढ़ा देना है। ये जो दो पार्टिकल आपस में जो चिपके हुए हैं, इन पार्टिकल को बढ़ा देना है। तो इन्हें बढ़ाने के लिए ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स इनके बीच में होता है, उससे ये जुड़ा हुआ होता है। तो इसको तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देना होगा। बिना एनर्जी के ये जो है अपने बीच का गैप नहीं बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको ताकत चाहिए। जैसे अगर आपको किसी बाइक को बांध के रखना है, और जो स्टार्ट बाइक है कोई चला रहा है, तो आपको ताकत ज़्यादा चाहिए। उसी तरह से अगर बाइक को ही आगे खींच देना है तो बाइक को ताकत ज़्यादा चाहिए। तो ये जो दोनों पार्टिकल है, ये दोनों को जब दूर करना है तो इनमें ताकत देना होगा, हमें काइनेटिक एनर्जी देना होगा। वह एनर्जी हम दे देंगे तो यह सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें एनर्जी देना होगा, ताकि इसके बीच का गैप और ज़्यादा बढ़ जाए। और जब दो पार्टिकल के बीच का गैप बढ़ जाएगा, यानी दोनों पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो खिंचाव है, वो घट जाएगा, तो ये कन्वर्जन आसानी से हो जाएगा। तो यही कन्वर्ट करना है इसमें, ये कन्वर्जन। फिर इसी तरह से उल्टा, अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इनका पार्टिकल जो एनर्जी रिसीव कर लिया है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, उसको घटाना होगा, इस एनर्जी को घटा देना होगा,
ताकि ये पार्टिकल आपस में सट जाएं और इंटर पार्टिकल फोर्स इनके बीच का बढ़ जाए। तो इसके इसमें एनर्जी जब निकालेंगे तो ये लिक्विड, और इससे एनर्जी कम करेंगे तो सॉलिड। तो जनरली जैसे सॉलिड आइस है, इसको गर्म करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड को गर्म कर देंगे यानी वाटर को, तो वो गैस में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये गर्म करके हम ऐसा कर सकते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट, गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, यानी जो आपके घर में खाना बना है उसमें जो गैस बना हुआ है, तो उसको ठंडा आप करेंगे तो आराम से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ठंडा करना होगा, इसी तरह से लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए ठंडा करना होगा। यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर के थ्रू हम फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इनमें जो है सबसे पहला जो है फिजिकल स्टेट को चेंज करने का वे, वो है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज करके इन्हें हम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या इसी के जस्ट कन्वर्ट गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड बदल सकते हैं। सेकेंड, जो आपके घर में जो गैस आता है, खाना बनाने वाला गैस, वो खाना बनाने वाला गैस लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको आप हिला करके देखेंगे तो अंदर से आवाज़ आता है लिक्विड का, लगता है कि अंदर में पानी भरा हुआ उस टाइप का। तो एक्चुअल में तो वो गैस है, नाम ही है उसका गैस, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन लिक्विड के साथ पेट्रोलियम लगा हुआ, लिक्विड किया हुआ, पेट्रोलियम को कैसा फॉर्म में, लिक्विड, तो वहाँ प्रेशर दे दिया जाता है, वहाँ उसको इतना प्रेस किया जाता है कि जो गैस में जो कण के बीच दूरी है वो सट जाए, कण के बीच जो दूरी ज़्यादा है वो आपस में चिपक जाए, तो ये प्रेशर से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके घर जो खाना बनाने वाला गैस है, या CNG जो गैस है, यह गाड़ी वगैरह चलने के लिए, वो सारा गैस लिक्विड फॉर्म में प्रेशर के द्वारा भरा जाता है। उसको दबा करके 19 kg गैस को इतना छोटा टैंक में भर दिया जाता है, तो जो पार्टिकल है इस पे दबाव पड़ता है, पार्टिकल पे दबाव पड़ने के कारण यह आपस में सटने लगता है, और जैसे ही करीब आने लगेगा तो लिक्विड बन जाएगा, इससे भी ज़्यादा करीब आएगा तो वो सॉलिड बन जाएगा, इससे भी ज़्यादा ये अगर करीब आ गया तो यह सॉलिड बन जाएगा। तो प्रेशर से भी हम इस फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, यानी सेकेंड, बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए एक एक कर पढ़ते हैं, हम सब समझते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने पर कौन कौन सा फॉर्म चेंज होता है, साथ ही साथ उसका क्या नाम है और किसका क्या टेम्परेचर होता है, यह सब समझते हैं कि कर। तो सबसे फर्स्ट है मेल्टिंग। ये मेल्टिंग क्या है, तो द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड कैन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, वैसा प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक ठोस पदार्थ को, सॉलिड पदार्थ को, सॉलिड मैटर को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, किसके द्वारा, तो ऑन हीटिंग, गर्म करने के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। एंड द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस स्टार्टेड टू कन्वर्ट लिक्विड, स्टार्ट करता है, शुरू करता है, जैसे बर्फ को हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद ये सबसे पहले पिघलना स्टार्ट किया जब से, वही टेम्परेचर हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे शुरू से लेकर लास्ट तक टेम्परेचर सेम होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको बतलाएंगे थोड़ी देर के बाद, अगले जो पार्ट आएगा उसमें लेटेंट हीट के बारे में बतलाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। तो मेल्टिंग क्या है, तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है, इनके बीच का पार्टिकल का गैप बहुत कम था, सॉलिड था, तो इसको जैसे ही हम हीट दिए, यहाँ से गर्म किए, तो ये जो
इसमें हीट गया, हीट जाने से इसका पार्टिकल का जो मूवमेंट है, पार्टिकल जो वाइब्रेट करते रहता है, ये तेजी से वाइब्रेट करने लगा। तेजी से वाइब्रेट करने के कारण आपस में धक्का देकर आपस में ये गैप बढ़ा दिया। जब इसके बीच का गैप बढ़ गया तो आपको बताया कि सॉलिड से लिक्विड सिर्फ गैप बढ़ाना है पार्टिकल को, उसी तरह से लिक्विड को गैस में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको भी पार्टिकल के बीच का गैप ही आपको बढ़ाना होगा। तो इसको गर्म करने से इसको काफ़ी काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है और वो एनर्जी के थ्रू ये लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। शुरू से लेकर लास्ट तक टेम्परेचर सेम रहेगा, ध्यान देना है। जैसे अगर आप आइस को मेल्ट करना चाह रहे हैं तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट करता है और लास्ट तक जब तक एक बूंद भी पानी बचा हुआ है वो 0 डिग्री टेम्परेचर ही होल्ड किए हुए रहेगा। इसी तरह से यदि आप वैक्स को, मोम को मेल्ट करना चाह रहे हैं तो जो वैक्स है वो 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी गर्म करते करते आपको इतना टेम्परेचर पहुंचा देना है। इसके बाद ये मेल्ट करना वैक्स, इस पर वैक्स मेल्ट करना स्टार्ट करता है और लास्ट तक फिर वही टेम्परेचर रहेगा। क्यों वो रहेगा वो बतलाएंगे अगले पार्ट में, लेटेंट हीट के द्वारा वो होता है, लेटेंट हीट के रूप में जाता है, वो बतलाएंगे उसमें फिर। तो ये 63 डिग्री टेम्परेचर। इसी तरह से जो आयरन है आपके घर में उसको भी मेल्ट किया जा सकता है, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस। ये जनरल वे में हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए स्पेशल एक भट्टी बना दिया जाता है रूम, जिसमें टेम्परेचर बाहर अंदर नहीं हो सके और अंदर ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है। वो 10th क्लास में फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम सब समझेंगे। तो ये टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेल्ट जितना भी मैटर है वो सारा मेल्ट करेगा। तो सॉलिड से लिक्विड अगर कन्वर्ट हुआ तो ये प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग, और जिस टेम्परेचर पे ये पिघलना स्टार्ट किया वही टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट। तो अब आप इससे स्पष्ट हो चुके हों। अब चलिए सेकंड हम सब समझते हैं, ये भी है बाय चेंजिंग टेम्परेचर का ही पॉइंट। सेकंड है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है? तो द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इंटू गैस। वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है वो कहलाएगा बॉइलिंग। जैसे लिक्विड है आपके पास, वाटर ही है, पार्टिकल के बीच में इस तरह से गैप, इसको जैसे ही आप हीट देंगे, गर्म करेंगे बर्नर पे रख करके, तो गर्म करने के बाद इसमें हीट एनर्जी जाएगा, वो हीट एनर्जी इसके पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ा देगा, वाइब्रेशन बढ़ा देगा। वाइब्रेशन बढ़ने के पश्चात ये इसके बीच का जो गैप है वो बढ़ने लगेगा, और जैसे ही गैप बढ़ने लगेगा तो गैस में कन्वर्ट हो गया। यानी एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए हमें पार्टिकल के गैप पे ही विचार करना होगा। इसी के चलते आप सबको शुरू से लेकर लास्ट तक मैं इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ कि आप जो है इस फिगर को समझ लें। इस टॉपिक में कहीं इसके अलावा कुछ नहीं है, बशर्ते कि आप इसे ढंग से समझ जाते हैं। तो बॉइलिंग वही हो गया कि यानी द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इंटू अ गैस एंड द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कैन स्टार्ट कन्वर्टिंग इंटू गैस। जिस वैसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, सारा कन्वर्ट नहीं होता है, जिस समय शुरू ही करता है वेपर बनना, वही टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी जिस समय बॉयल करना स्टार्ट किया उस समय से लेकर अगर एक बूंद भी जल बचा हुआ है तो टेम्परेचर सेम होता है पूरे का, नो चेंज, कहीं कोई चेंज नहीं करता है। आप हीट देते जाएंगे फिर भी चेंज नहीं होता है टेम्परेचर। क्यों नहीं होता है वो अगले पार्ट जब लेटेंट हीट बतलाएंगे उसमें उसकी चर्चा हम करेंगे। तो ये था बॉइलिंग,
और जिस टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट किया वो है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों को मिला करके आप हीट कर रहे हैं यानी पानी और एल्कोहल दोनों है, तो पहले एल्कोहल उड़ जाएगा वेपर के रूप में, पानी तब तक नहीं उड़ेगा जब तक एक बूंद भी इस पर एल्कोहल है, और ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस बाद में पहुंचेगा 78 को ख़त्म होने के बाद, तो ये जो है पानी उस समय गर्म होगा। इसी का यूज़ नाटक वगैरह जो प्ले गांव में होता है उसमें किया जाता है, एक मनुष्य को लिटा करके और इस पर एक चादर ओढ़ा दिया जाता है, इस चादर में आग लगाने के बाद भी अंदर में मनुष्य जीवित बच जाता है, उसको कुछ नहीं होता, ऐसा कैसे हो जाता है? तो ये जो चादर है इसको अल्कोहल प्लस वाटर के मिक्सर में डुबाया हुआ रहता है, अल्कोहल और वाटर के मिक्सर में डुबा दिया जाता है, भिगाया हुआ होता है ये चादर को। चादर में जैसे ही आप आग लगाना स्टार्ट करेंगे अल्कोहल जलने लगेगा, अल्कोहल जलने लगेगा और फिर धीरे धीरे जो है वाटर का टेम्परेचर, जब तक एल्कोहल जड़ा सा भी बचा हुआ है वाटर का टेम्परेचर नहीं रिसीव करेगा, तो एल्कोहल पूरी तरह से जब जल जाएगा तो वाटर फिर जो है वेपर बनने लगेगा, और जब वाटर वेपर बनेगा तब ये जो है इसके ऊपर जो चादर आप लगाए थे वो जलेगा, यानी टाइम काफ़ी मिल जाता है तो अंदर वाला ह्यूमन सेफ बच जाता है। इस तरह से आपको प्ले में दिखाया जाता है किसी मनुष्य को जलाते हुए। तो चलिए, अभी तक हम सब मेल्टिंग और बॉइलिंग की चर्चा कर चुके, अब अगले में सब्लिमेशन पढ़ेंगे, फ्रीजिंग पढ़ेंगे, और भी जो है टेम्परेचर से इफेक्ट उसके बारे में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।